अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 4 के बारे में है। असल में ज़रा ना ऑडियंस के तरफ से रिकमेंडेशन चैप्टर 4 की ज़रा ज़्यादा है और साथ साथ चैप्टर नुसा है हमारे पास 6 की भी ज़्यादा है, जिससे हमने पहले ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। कॉरेस्पॉन्डिंग में हम वो चैप्टर 3 भी साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन आज का वीडियो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के बारे में है। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका आपने इससे पहले कोई और चैप्टर लाइक ये चार्जिस वाला चैप्टर आपने पिछली क्लासेस में नहीं इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, बच्चों ने कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा, कुछ बच्चों ने पढ़ा होता है, तो ये ज़रा इस बात का ख्याल रखना है, इसलिए हमने इसको बेसिस से पढ़ना है। चलते हैं ज़रा ये आपने दूसरी जो ये पहली वाली बात है ज़रा याद इनमें रखनी है कि हेडफोन यूज़ किया करें ताकि सारी की सारी बातें आपको क्लियरली सुनाई दें और कॉन्सेप्ट भी क्लियरली समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के नेम से। इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा नाम हम इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, तो ये आपने ज़रा याद रखना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसका दूसरा नाम है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो हिस्से होते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन से हमें जो बात समझ आती है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब आपके पास हम यहाँ पे क्या यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इसका मतलब है चार्जेस, ठीक है। और स्टैटिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में जो मोशन नहीं कर रहा होता, नो मूविंग अगर बॉडी है हमारे पास, या स्टेशनरी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरे का मतलब हुआ चार्जेस आपके रेस्ट में है। पहली बात आपने क्लियर कर ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, और इसका मतलब क्या है कि चार्जेस आपके रेस्ट में होंगे। इसका क्या मतलब है कि पूरे चैप्टर के अंदर आप बस इस बात की स्टडी करेंगे कि चार्जेस अगर रेस्ट में हैं तो उसके उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह होंगी, मतलब उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होंगी, वो हमने इस चैप्टर में क्या करनी है, स्टडी करनी है। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि चार्जेस समझ आ गई है, तो चार्जेस होते हैं वही हम देखेंगे। चार्जेस की बेसिक डेफिनेशन आपने यहाँ पे सबसे पहले ना चैप्टर के जो बेसिक 5 पॉइंट है ये क्लियर करने हैं। ये चैप्टर के हमारे पास 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इसमें से पहली डेफिनेशन हमारी चार्ज की है। चार्ज हमारे पास क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होता है किसी मटेरियल बॉडी की, मतलब कोई भी मटेरियल है। इसमें याद रखते हैं इंसुलेटर के ऊपर भी चार्ज आ सकता है और कंडक्टर के अंदर भी चार्ज आ सकता है। तो चार्जेस हमारे पास क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, जिसकी वजह से या तो बॉडी अट्रैक्ट करती है या तो रिपेल करती है। अच्छा, इसके लिए हम ना इस बेसिक सा एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कभी ना कभी आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा। मैंने एक ये स्केल के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि या एक कॉम के साथ भी किया जा सकता है। अगर एक कॉम को क्या करें, बालों के अंदर अगर हम रब करके मतलब फ्रिक्शन के ज़रिए से उसके अंदर क्या क्रिएट करते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं, और उसे पेपर पीसेस के पास लेके आते हैं तो वो क्या कर लेती है, पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर लेती है थोड़े टाइम के लिए। मतलब इसका प्रोसेस क्या है कि इसमें जब आप एक कॉम को बालों में रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो चार्ज क्रिएट होता है तो बाकी हर बॉडी, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल का मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं नेगेटिव चार्जेस भी हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेती हैं। लेकिन ज़रा अगर हम यहाँ पर देखें, कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है फ्रिक्शन की वजह से, जो कि हमारे पास पेपर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उसे अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये बेसिकली हमने ये पढ़नी है कि इन किस्म के चार्जेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो चार्जेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि चार्जेस की दो हमारे पास क्या टाइप्स हैं, तो आपने बस दो ही बतानी है, तीसरी कोई टाइप नहीं होती। अक्सर बच्चे न्यूट्रल को भी कह के, न्यूट्रल भी हमारे पास क्या है, चार्ज ही है, तो न्यूट्रल हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट आपने क्या रखना, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, सिमिलर चार्जेस भी कह सकते हैं, ये आपस में रिपेल करते हैं। जैसे आपके पास मैग्नेट के सेम पोल आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर हमारे पास क्या है, ऑपोजिट चार्जेस हैं या डिसिमिलर चार्जेस हैं या अनसिमिलर चार्जेस हैं, वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल आपने ये बात याद रखनी है। तो इसी के साथ आपने एक और बात याद रखनी है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, उसके मुताबिक क्या था, हर चीज़ क्या करती है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट करती है एक चीज़ की एक दूसरे को। इसका क्या मतलब है, कि अगर दो बॉडीज आपस में अट्रैक्शन कर रही हैं तो वो डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। लाइक अट्रैक्शन आपके न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक भी हो सकती है, अट्रैक्शन आपके ऑपोजिट चार्जेस की वजह से भी हो सकती है,
और अट्रैक्शन आपके इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से भी हो सकती है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास क्या है, दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप 100% नहीं बता सकते, श्योरली नहीं बता सकते कि वजह उसकी नहीं बता सकते। लेकिन अगर कोई दो बॉडीज आपस में क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, तो आप 100% बताएंगे कि दोनों के ऊपर क्या है, ऑपोजिट चार्ज है। तो इसका मतलब जो अट्रैक्शन होती है उससे आप 100% ये नहीं बता सकते कि चार्जेस कौन से हैं। लेकिन अगर अट्रैक्शन हो रही है लेकिन अगर रिपल्शन हो रही है, तो रिपल्शन का मतलब ये है कि आपने 100% बता दिया है कि उन दोनों बॉडीज़ के ऊपर ऑपोजिट सिमिलर चार्ज होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपने इस इंट्रोडक्शन में बस ये याद रखना है कि आपके पास क्या होता है। एक एक ये कॉम वाला एक्सपेरिमेंट याद रख लें, यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक की मीनिंग याद रख लें, और साथ में आपने यहाँ से एक जो इम्पोर्टेंट पांच पॉइंट जो आपने याद रखने हैं वो ये हैं। पहला पॉइंट तो आपकी चार्ज की डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के बाद दूसरा पॉइंट आप बताएं चार्ज की दो टाइप्स होती हैं आपके पास क्या होते हैं। एक को हम पॉजिटिव चार्जेस कहते हैं, दूसरे को नेगेटिव चार्जेस कहते हैं। जब फ्रिक्शन होती है तो आप दो बॉडीज़ के दरमियान में फ्रिक्शन होती है तो दोनों के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस आते हैं। थर्ड वाला पॉइंट भी समझ आ गया कि लाइक चार्जेस ऑलवेज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट जब भी हमने डिस्कस किया है कि रिपल्शन अगर के दो बॉडीज़ के बीच में हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप 100% श्योर है कि दोनों बॉडीज़ के ऊपर अपोजिट चार्ज है, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं हो सकती रिपल्शन की। तो ये ज़रा पाँच पॉइंट आपने अच्छे से याद करना, यही आपके पास चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। पूरे चैप्टर में हम इन्हीं बातों के इर्द गिर्द बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आपके पास इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, और वैसे इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन भी आती होती है, तो ये ज़्यादा बात अपने याद रखनी है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड तो मैं समझ आ गया था कि इसका मतलब होता है आपके चार्जेस रेस्ट में हैं, ठीक है। अब इंडक्शन का मतलब पहले समझ लेते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है हमारे पास प्रोड्यूस करना या क्रिएट करना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ज़रा देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का क्या मतलब है। ज़रा अगर हम कोई चीज़ इमेजिन करें, आपकी हर चीज़ क्या होती है, बेसिकली न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल चीज़ का मतलब है कि उसके अंदर जितने आपके पास प्लस चार्जेस होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे उसके अंदर। इसका क्या मतलब है, प्लस वाले जो आपके चार्जेस हैं वो नेगेटिव वाले चार्जेस को आपस में दोनों क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। लाइक लेट सपोज अगर एक बॉडी के अंदर एक प्लस चार्ज है तो दूसरा एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका ओवरऑल आंसर आपके पास जीरो आता है, मतलब न्यूट्रल है। लेकिन इसमें हम क्या चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि एक बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए और एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ही बॉडी के एक साइड पे प्लस चार्जेस आ जाए और एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस आ जाए, तो इस तरह की क्रिएशन को, सेपरेशन को, मतलब आप करना क्या चाहते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी है, आप उसके अंदर से प्लस वाले चार्जेस एक साइड पे लेके आना चाहते हैं, माइनस वाले चार्जेस एक साइड पे लेके आना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि आपने चार्जेस को क्या किया है, क्रिएट किया है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक प्रोसेस है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये एक दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी बॉडीज़ हमारे पास सेम मटेरियल की हैं, ये हमारे पास कंडक्टर हैं जिसको हमने क्या किया हुआ है। अभी सिंपल हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर्स हैं, ठीक है, कंडक्टर्स हैं, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। लाइक बॉडी ए है और बॉडी बी है, और इसके जो नीचे वाले आपके पास ये स्टैंड है, ये रबड़ के हैं या इंसुलेटर आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट जरा देखते हैं, अभी फ़िलहाल ये आपकी बॉडी जो सी है ये न्यूट्रल है, मतलब जितने प्लस चार्जेस हैं उतने नेगेटिव चार्जेस हैं, इस बॉडी की बात हो रही है। बुक में इसे फिगर नंबर ए कहा गया है। इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही इसमें क्या है, नेगेटिव चार्जेस। तो बॉडी आपकी स्टार्टिंग में न्यूट्रल है, वो ये दो बॉडीज हैं, एक बॉडी नहीं है, आपस में टच कर रही है। इसके बाद आपने क्या किया है, इसके बाद आप एक क्या ले गए हैं, इसके बाद आप एक और बॉडी इसके पास लेकर आए हैं। आप देखें ए एंड बी हमारे पास टारगेट बॉडी है जिसके अंदर आपने चार्जेस प्रोड्यूस करवाने हैं। तो चार्जेस प्रोड्यूस करवाने के लिए आपने क्या लेके आनी है, एक आपने चार्ज बॉडी इसके पास लेके आए। तो ये जो हम रोड लेकर आए हैं ये हमारे पास चार्ज है, और इसके ऊपर अगर हम देखें गौर से तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस रोड को हम कह सकते हैं ये रोड है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो आपने बॉडी ए एंड बी जो न्यूट्रल थी उसके पास अब पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आए हैं, एक बॉडी लेकर आए हैं। तो सिंपल हमने जो पीछे प्रोसेस पढ़े थे कि आपके पास क्या होता है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, और रिपेल करते हैं यहाँ पे, और ऑपोजिट चार्ज आप अट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके पास क्या है, ये रोड आके पॉजिटिवली चार्ज है, तो ए एंड बी बॉडी क्योंकि आपस में अटैच हैं,
बॉडी अगर दो कंडक्टर अगर आपस में अटैच हैं तो आपके पास चार्जेस दोनों के अंदर से फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये रोड को ना मैंने बॉडी ए के साथ टच नहीं करवाया, बस इसके करीब लेकर आया हूँ। तो ये इसकी मेन बात है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर आप जो यहाँ पे चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हैं उसको टच नहीं करवा रहे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर ये रोड आपकी पॉजिटिवली चार्ज है तो जाहिर सी बात है बॉडी ए एंड बी में से जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज मतलब ऑपोजिट चार्ज होंगे वो क्या होंगे, वो आपकी रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपके पास नेगेटिव सारे चार्जेस कहाँ पे आ गए, बॉडी ए में आ गए हैं, और पॉजिटिव चार्जेस किस में चले गए, रिपेल होकर बी में चले गए हैं। तो अगर आपके पास क्या होता है इसका, अगर हम उल्टा करते हैं, अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है तो ए में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाते और बी में हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाते। लेकिन हमें पता है क्योंकि हमने इसे लिखना है तो एक तरह से बुक में लिखेंगे, एक तरह से पेपर में लिखेंगे, क्योंकि बुक में भी एक तरह से लिखा, दोनों तरफ बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पे क्या हुआ है, अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्जेस इस साइड पे आ गए हैं और पॉजिटिव चार्जेस बी साइड पे चले गए हैं। तो इस तरह के चार्जेस की सेपरेशन को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नेक्स्ट आपने क्या किया है, नेक्स्ट आपने दोनों बॉडी जो अटैच थी उसको सेपरेट कर दिया। अब क्योंकि अच्छा एक और बात यहाँ से आ रही है, क्योंकि आपने रोड को टच नहीं किया तो नेगेटिव चार्जेस बस इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन क्योंकि ये रोड और बॉडी ये टच नहीं हो तो यहाँ से आपके नेगेटिव चार्जेस रोड के अंदर नहीं आ सकते। अगर आप चाहते हैं कि रोड के अंदर के नेगेटिव चार्जेस बॉडी के अंदर आ जाएँ, ये आपके रोड के अंदर आ जाएँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रोड के इसके साथ टच करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रोसेस फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नहीं होगा, वो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडक्शन, उससे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास ये मेन आर्टिकल जो डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। अच्छा तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपने दोनों बॉडीज़ को सेपरेट कर दिया है, लेकिन रोड को आपने अपनी पोजीशन पे ही रखना है। रोड को जैसे ही आप हटाएंगे बॉडी फिर से आपसे क्या हो जाएगी, मिक्सअप आके प्लस चार्जेस माइनस के अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे और फिर से बॉडी आपकी पहले की तरह न्यूट्रलाइज हो जाएगी। लेकिन आपने क्या याद रखा, रोड को आपने यहीं पर रखना है, चार्जेस आपके ए में नेगेटिव आ जाएंगे, बी पे पॉजिटिव आ जाएंगे, और फिर आपने इसको सेपरेट करना है। ये फिगर नंबर सी में अगर हम देखें तो आप ए एंड बी को सेपरेट कर रहे हैं। ए एंड बी को सेपरेट करने का मकसद है कि आप ए के चार्जेस बी में नहीं जा सकते और बी के चार्जेस ए में नहीं आ सकते। तो अब अगर आप रोड को सेपरेट भी कर लें तो आपके नेगेटिव चार्जेस ए में ही रहेंगे और पॉजिटिव चार्जेस बी में ही रहेंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से किसी भी बॉडी को प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। तो अब बारी है डेफिनेशन पढ़ने की। डेफिनेशन में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी, अगर हमारे पास क्या है, एक चार्ज बॉडी जो यहाँ पे एक रोड है इसके प्रेजेंस मौजूद है, एंड इंसुलेटेड कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जिसको आपने इंसुलेटेड किया। अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसके रबड़ के ये नीचे रोड के लगाए हुए हैं, जाहिर सी बात है अगर हम इसे ज़मीन पर रख देंगे तो अर्थ भी आपका कंडक्टर है, तो ये आपके चार्जेस अर्थ के अंदर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये इंसुलेटर का मतलब है कि इंसुलेटर के अंदर से चार्जेस मूव नहीं कर सकते, इंसुलेटर के अंदर चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं लेकिन उसके अंदर से मूव नहीं कर सकते। तो इंसुलेटेड कंडक्टर की बात समझ आ गई, जब आप इंसुलेटर कंडक्टर के पास क्या लेके आते हैं, एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं, पॉजिटिव ले आए चार्ज या नेगेटिवली चार्ज ले आए, वो आपने एक केस एक टाइम पर डिस्कस करना है। तो होता क्या है, इससे डेवलप क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस एट वन एंड, आपके क्या होगा एक एंड पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास दूसरे एंड पे आ जाएंगे। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लेकिन ये जो आपके पास ई बुक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो हमारे पास ओल्ड है, लेकिन जो आजकल बुक में इसकी डेफिनेशन अपडेट हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे ही आप एक चार्ज बॉडी को इंसुलेटर कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो कंडक्टर के जो पास वाली बॉडी होती एंड होता है, मतलब बॉडी एंड नंबर ए जो सी है उसके अंदर आपके पास ऑपोजिट चार्ज आ जाता है, और फार एंड के ऊपर आपके पास क्या आता है, सिमिलर चार्ज आता है। जैसे यहाँ पर देखें जो इंसुलेटर कंडक्टर आप यहाँ पर लेके आए हैं इसके ऊपर आपके पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो आपके इन दोनों बॉडीज़ में से नियर एंड कौन सा है, ए वाला है, तो इसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज आ गया है। और अगर हम बात करें कि फॉर एंड में कौन सा है, फॉर एंड के ऊपर सिमिलर चार्ज आ गया। तो इस प्रोसेस सेपरेशन ऑफ चार्जेस को आप क्या कहते हैं, इस सेपरेशन ऑफ चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो होप सो ये बात क्लियर होगी होगी। अब आपने याद रखना, अगर आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन के फ़ौरन बाद आप ये यहाँ पे ये डायग्राम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे, ये चारों डायग्राम्स बनाएंगे, हम बुक में निकाल भी लेते हैं, और फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये एक्टिविटी नंबर 13.4 लिख देंगे। मतलब बात क्या समझ आ गई, ये आपने डेफिनेशन लिखनी है इसके अंदर,
लाइक डेफिनेशन का मतलब वो ये है जो आपकी बुक वाली है, फार हैंड और नियर हैंड वाली डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे भी यही है तो मैंने इससे करवाया है, लेकिन वो डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी है। और इसके बाद आप ये जो एक्टिविटी नंबर 30.4 है, इसको आप ये नहीं लिखेंगे, हेडिंग ये नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे जो येलो पोर्शन है इसे आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में लिखते हैं, बीच में आपने डायग्राम बना देनी है। तो इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये बातें आपने याद रखनी है। अगर हम इसकी रीडिंग करें, क्या लिखा, ब्रिंग टू मेटल्स फेयर, आपके पास दो मेटल्स फेयर है, मेटल्स फेयर का मतलब कंडक्टर है, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, जिसको आपने इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर फिक्स किया हुआ है, सच डेट दे आपस में क्या करें, टच करें, जैसे कि आप फिगर नंबर ए में देख सकते हैं। अच्छा, चारों फिगर्स आपने बनानी है। अगर हम अब क्या करें, अगर हम क्या करें, एक पॉजिटिवली चार्ज रोड क्या ले हैं बॉडी ए के पास ले आते हैं, तो रोड क्या करेगी, नेगेटिव चार्जेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और रिपेल करेगी पॉजिटिव चार्जेस को, इसका मतलब अट्रैक्ट होकर नेगेटिव चार्जेस ए में आ जाएंगे, रिपेल होकर बी में चले जाएंगे आपके पॉजिटिव चार्जेस। और आगे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्जेस विल अपेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द स्फीयर ए, और आपके पास जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो राइट साइड पर आ जाएंगे, राइट साइड पर आपका स्फीयर बी है। और आगे क्या लिखा हुआ है, अगर अब हम क्या करें, स्फीयर को सेपरेट कर दें, ठीक है, तो इफ़ यू टेस्ट द टू स्फेयर, अगर आप टू स्फेयर को टेस्ट करेंगे, यू फाइंड दैट द आपके पास जो दोनों आपके पास स्फेयर हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑपोजिटली ऑपोजिटली चार्ज हो जाएंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये साइड में आपकी वही डायग्राम है जो हमने पीछे भी स्लाइड में भी इस तरह की एक डायग्राम बनाई थी, ये डायग्राम यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके 13.5 वाली डायग्राम मस्त आपने डायग्राम इसके अंदर बनानी है। फर्दर की बात याद रखनी है, ये बुक आपकी जो फिजिक्स की है ये 10th क्लास की, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ऐसे ही लोगों ने इसे कह कह के मुश्किल किया हुआ है। जो बस सिंपल बात याद रखनी है कि एक वीडियो में जितनी बार बताई जाती है, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको वो बातें क्लियर होंगी, तो आपके सारी ईजिली सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन बात वही है जो मैं पहले भी आपको रिकमेंड करता हूँ, कि आपने डेफिनेशन वही लिखनी है जो आपकी बुक में है, बाकी एक्सप्लेनेशन और डायग्राम भी कोशिश करें कि आप बुक वाली ही लिखें बनाएं, और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है उसे आप अपनी वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन करें। तो यही आपके पास क्या होता है, फिजिक्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है, बाकी आपने एमसीक्यूज करने होते हैं और साथ में न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। तो मेरे ख्याल से फिजिक्स में आप इजीली फुल मार्क्स ले सकते हैं, और साथ साथ में अगर आप ये कोई बस ना बात याद रखनी, जब भी हमने कोई आर्टिकल याद करना है तो उसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये बेसिक क्या है, मतलब उसकी बेसिस क्या है। जितना आप आर्टिकल को सिंपल करके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो आपके लिए क्या होगा, क्लेरिफाई होगा। कोई इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, आपको उसको जो आंसर होगा वो आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है कि आपने ये चैप्टर की स्टडी करनी है, रीडिंग करनी है। वैसे अगर आप वीडियो को एक दो बार देख लें तो आपको वही बातें क्लियर हो जाएंगी। मेन मेन पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो ये यहाँ से ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, और यहाँ से ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन याद रखना है, कुछ बेसिक आपको जो बातें मैंने बताई हैं वो याद रखिएगा। तो यही आपके पास क्या है कि यहाँ तक का आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। इसमें सारे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और जो आपने ये वाली बात 5 पॉइंट जो पहले मैंने आपको बताया है ये आपने हमेशा याद रखने हैं, कि आपके पास यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि रिपल्शन आपके पास शॉर्ट टेस्ट क्यों है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो ये हम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर डिटेक्शन चार्जेस, इसका आंसर हम पहले भी कर चुके हैं कि रिपल्शन आपके खाली ऑपोजिट सिमिलर चार्जेस की वजह से होती है, जबकि आपके जो अट्रैक्शन है उसके मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, जैसे आपकी न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक हर चीज़ आपके अट्रैक्ट कर रिपेल करती है, या अगर हम बात करें कि हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से भी अट्रैक्शन हो सकती है, या अगर हम बात करें कि आपके पास जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं ऑपोजिट चार्जेस, उसकी वजह से भी आपकी अट्रैक्शन हो सकती है। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपने ये चार्ज की डेफिनेशन याद रखनी है, साथ में दूसरा पॉइंट हर जाहिर सी बात आपने ना बस याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन जब भी हमने करना है अटैम्प्ट करना है तो उसमें आपको बताना चाहिए एटलीस्ट 2 पॉइंट आप लिखें। तो व्हाट इज़ चार्ज लिख दें, तो इसमें डेफिनेशन आ जाएगी, साथ में दूसरा पॉइंट बता दें कि दो किस्म के चार्जेस होते हैं, एक को प्लस वाले कहते हैं एक तो नेगेटिव वाले कहते हैं। चार्जेस आर कन्वेंशनली मेथड वाई थी, आमतौर पर अगर हम कहें कि चार्जेस आपके दो किस्म के होते हैं, ठीक
ठीक है। और जब हम रबिंग का प्रोसेस होता है, मतलब फ्रिक्शन से क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस आपकी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी ले सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस तो आपको चलो पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव हमारे पास, अगर हम केमिस्ट्री में ज़रा जाएँ तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आता है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होते हैं। अब क्योंकि रबिंग के दौरान आपके नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो एक बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, मतलब जिस बॉडी के ऊपर आपके पास क्या हुए हैं, जिससे आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं दूसरी बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और जिसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, ऐड हुए हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास ये वही कॉन्सेप्ट हैं जो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। असल में ये लेक्चर आपका इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होना था, लेकिन क्योंकि ये बेसिस हैं तो इसमें ज़रा क्लेरिफाई करना ज़रूरी है कि आप बातें किसकी कह रहे हैं। एक आपने बात क्लियर रखनी है कि आप लोग इस चैप्टर के अंदर मोशन ऑफ चार्जेस को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो फिर उनकी क्वालिटीज़ आपने बतानी है।